यहां तो जज भी कहता है कि इंसाफ नहीं है, यहां तो एक वजीर आजम भी एतराफ करता है कि इंसाफ नहीं है। तो जिस मुल्क के अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता हो, वहां का शहरी किस तरह मुतमईन हो सकता है? ये तो मशहूर कल की बात है, माजी की बात नहीं करता हूं कि चर्चिल पर जब हमला हुआ और जापान ने और जर्मनी ने उन पर बम गिराए, तो उन्होंने अपने जर्नलों को बुलाकर पूछा क्या हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है। लोगों ने कहा कि हाँ। फिर चर्चिल ने यही फैसला दिया कि फिर बर्तानिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मेरी अदालत का अंदाज वही है जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने मुतय्यन फरमाया था कि वह ज़ईफ़ फीकुम क़वीयुन अंदी हत्ता उरीहा अलैहि हक़्क़हू। इस्लामी अदालत यही है कि मेरे दरबार में आप में से जो ज़ईफ़ है वो कवी है जब तक मैं उनको उनका हक ना दिलवा दूं, और तुम्हारे अंदर जो कवी है वल क़वीयु फीकुम ज़ईफ़ुन अंदी, आप में से जो ताकतवर है वो मेरे करीब मेरे नज़दीक मेरी अदालत में कमजोर तर है। जो मादियात है उस पर सबसे पहला हक बलोच अवाम का है, ये जुल्म है